जो कण कण में है, जो कंकर कंकर में है, शंकर को नमामि, शंकर को प्रणाम, उस बाबा को प्रणाम। प्रणाम के अपने अलग भाव हैं। मैं निवेदन कर रहा था, मेरी शिव महापुराण कहती है, बाबा शिव कहते हैं साक्षात इस बात पर, प्रणाम की अपनी भावना है। शिव महापुराण में आपने सुना है, महात्मा सिद्ध संत मृत्युंजय भगवान के जीवन की पूरी गाथा प्रणाम पर विद्यमान है। प्रमाण प्रणाम एक दर्शन है। भगवान शिव के मंदिर में जाकर जो प्रणाम करते हैं, जो बार बार नाक रगड़ते हैं, जो आवाज निकालते हैं, आपको पता है बकरे की आवाज निकालना बाबा शिव को सबसे ज्यादा पसंद है। ये कोई और नहीं, ये वही दक्षराज हैं जिनका सरधर से अलग कर दिया गया था, फिर बाद में बाबा की कृपा से, उनकी करुणा से, उनकी दया से फिर से बकरे का सर लगाया गया। तब से ये आशीर्वाद है उनको कि जो भी बाबा के सामने बकरे की आवाज निकालता है, शिव महापुराण कहती है, उसे एक यज्ञ का फल मिलता है। आप गाल में खूब सारी हवा भरिए और अपने हाथों से इधर उधर थोड़ा सा स्पर्श कीजिए, वो ध्वनि कुशब्द प्रस्फुटित होंगे। तो बाबा शिव को प्रसन्न करने के लिए सर्वोच्च स्थान रखते हैं।